पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को कहा अनुभवी चोर, बताए दिल्ली सीएम के घर क्यों नहीं मिले नोटों के पहाड़। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में देश की राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्शन का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। पीएम ने दिल्ली के सीएम को अनुभवी चोर करार दिया है, साथ ही ये भी बताया कि आखिर उनके घर क्यों नहीं नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। दिल्ली शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार केस में आम आदमी पार्टी के मुखिया फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ये छूट दी थी। जेल से निकलने के बाद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाते रहते हैं। वहीं दिए एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि केजरीवाल का कहना है कि बाकी जगहों पर नोटों की गड्डी मिलती है, मेरे यहां एक चवन्नी नहीं मिली, पीएम मोदी ने इसके जवाब में ऐसा कहा कि सरकार के अफसर रह चुके हैं, उनको मालूम है कि सरकार कैसे काम करती है, वे तो खुद को बचाने के लिए घेराबंदी कर ही लेंगे। पीएम ने आगे कहा कि जो अनुभवी चोर होता है उसको बड़ी सुविधा होती है, जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा कि ईडी और सीबीआई कैसे कार्रवाई करेगी, इसलिए वो बचने की व्यवस्था पहले से ही करके रख लेते हैं। पीएम मोदी से जब पूछा गया कि सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके गुनाहों पर सरकार कुछ न करे तो लोग कहेंगे जरूर कुछ सांठगांठ हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आपने नोटों के पहाड़ देखे कि नहीं देखे, नोटों के ढेर को देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं, नोटों के पहाड़ पकड़े जाए और सरकार कुछ करे नहीं तो लोग सोचेंगे कुछ सांठगांठ है, केवल करप्शन करने के लिए आपने दिल्ली में बच्चों को भविष्य बर्बाद करने के लिए स्कूल के पास शराब के ठेके खोल दिए।